तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि रवि भान जी से मैंने एक सवाल किया था कि विकास के मुद्दे को लेकर, खास करके रणधीर जी ने यह सवाल किया था कि कांग्रेस जो है विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ रही है, क्या बीजेपी भी इसी मुद्दे को लेकर के लड़ पाएगी और क्या वो जीत हासिल कर पाएगी। रवि भान जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जिस तरह से गठबंधन को लेकर के आप लोग के बीच में उठापटक हो रही है, हर आए दिन कहे तो बयानबाजियां जो है वो आ रही है, लेकिन उसमें बदलाव भी हो रहा है। कल अगर रामविलास शर्मा जी की हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम 90 सीटों पर उतारेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये संकेत रहे थे कि ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। वहीं उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है आज कि नहीं, गठबंधन के पक्ष में हूं 45-45 सीटों पर। क्या मतलब निकाले? नहीं, मैं कोई भी पार्टी है वो अपनी तैयारी पूरी रखती है जी। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने इसलिए कहा कि हम 90 विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां तक गठबंधन की बात है तो बातें बीच बीच में होती रहती हैं और ये फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि हम किस 45-45 पे लड़ेंगे या 70-30 पे लड़ेंगे, 70-20 पे लड़ेंगे या हम 65-25 पे लड़ेंगे, ये तो सारा फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। नहीं रवि जी, मैं मान रही हूँ कि फैसला जो है वो हाईकमान के हाथ में है, केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कहीं ना कहीं अमित शाह ने इसको लेकर के बैठकें भी की हैं, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। हम आपको वो दो बयान जो है वो सुनाते हैं कि कल किस तरह का बयान उन्होंने दिया था, आज किस तरह का बयान दिया, जिससे जनता भी गुमराह हो रही है, जनता को भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए हम आपको सुनाते हैं वो रामविलास शर्मा ने क्या कुछ कहा है। अमित शाह जी 14 तारीख को महेंद्रगढ़ में आएंगे, यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम टाइम टू टाइम हम 19 तारीख का कैथल में बना रहे हैं। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूं, अध्यापक की पीड़ा को मैं जानता हूं, और ये आमरण अनशन पर बैठे थे तब भी मैं गया था। इनकी जो मांग है वो जायज है और उन मांगों को सरकार बनते ही हम पूरा भी करेंगे। तब तक हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में इनका उल्लेख करें। मैं इस गठबंधन के पक्ष में हूँ और हमने इस गठबंधन को बचा के रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु दूसरी तरफ मेरी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, उधर तो दो भाइयों की पार्टी है। कभी वो अनिल विज को गालियां दे देते हैं, कभी वो अल्टीमेटम दे देते हैं, तो उस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में इसका फैसला। तो रवि भान जी, सुना आपने यहाँ पर कि दो तरह की बात उन्होंने साफ तौर, एक तो गठबंधन के पक्ष में बात कही है, वहीं उन्होंने कहा है कि एक तो अल्टीमेटम दे देते, कहीं ना कहीं नाराजगी इसको लेकर के वो जाहिर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि अनिल विज को वो जो गलत बातें हैं उनके बारे में कह देते हैं या गलत बयान जो है वो कर देते हैं। क्या मतलब निकाले, क्या संकेत ये मिल रहे हैं? लोकसभा के हमारे साथी हैं कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी ने, हमने लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ा था 8-2 की रेसों पे, तो बदकिस्मती कहें कि वो दोनों सीटें हार गई जी। पार्टी की लिहाज से गठबंधन है, आज भी है, उसमें कोई शक नहीं है, और हाईकमान हमारा नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा जी। उसके अलावा मैं वो हमारे साथी कांग्रेसी भाई, मैं एक बार बात पूरी कर लूं जी। हमारे साथी कह रहे थे कि 70 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी जी। मैं आपको बताऊं कि 2005 का जो चुनाव था विधानसभा का, वो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले लड़ा था। उस वक्त जो नेतृत्व था, पहले जो सरकार थी, उसकी कारगुजारियों की वजह से कांग्रेस में काफ़ी अच्छी उनको बढ़त मिली और 67 विधानसभा वो जीते जी। उसके बाद वो कहने लगे 2009 में लोकसभा में 9 सीट वो जीत गए थे, एक चौधरी भजनलाल जीते थे हिसार की, वो कहने लगे कि हमें 75 सीटें जीते। हमारे पास कम है रविवान जी, नहीं तो हम आपसे पूरी चीजें उसको जाने की हम कोशिश करते। एक सीधा सा सवाल यही कि कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के जो असमंजस की स्थिति पार्टी के अंदर में भी बनी हुई है, जिस तरह से लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं, आप मानते हैं कि गठबंधन फिलहाल आप लोगों के लिए भी एक चुनौती है? तो फिर स्थिति क्यों नहीं साफ कर रहे हैं? सवाल यही है, स्थिति को साफ करिए, सस्पेंस पर से पर्दा उठा दीजिए। दो तीन रोज में सारे बादल छट जाएंगे अनिश्चितता के, और भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है। यदि हमारे सामने कोई चुनौती है जी, तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हमें हरियाणा प्रदेश के जो युवा है उनको रोजगार देना है जी। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करना है जी। प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार को हमने खत्म करना है, युवाओं को रोजगार देना है, और जहां तक मौजूदा सरकार के विकास की बात है, हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टर नहीं,
यानी जो जनता से होते हैं वो आप लोगों के लिए चुनौती है, जो सत्ता में आने के बाद ही आप उस चीज को पूरा कर पाएंगे। मैं रणधीर जी के पास चलती हूं। रणनीति हमारी बनी हुई है, यहां पर उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश जी। रवि भांजी मैं आपके पास वापस आऊंगी कुछ ही देर में। रणधीर जी यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त कांग्रेस को देखने को मिली है, कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा चुनौती है उनके लिए कि विधानसभा चुनाव में एक अच्छी जीत हासिल करें, क्योंकि इसके पहले भी जब चार स्टेट में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर भी जीत ना के बराबर मिल पाई थी। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं सेंटर में जो चीजें चल रही हैं कि अगर कांग्रेस अध्यक्षा के बारे में बात हम कर ले या फिर मनमोहन जी उनके ऊपर किताब लिख दी जाती है, नटवर जी हैं वो साफ तौर से कहीं ना कहीं गलत कहते हैं सोनिया गांधी को, वहीं अगर हम बात कर ले यहां पर कि राहुल गांधी को यहां पर कहा जाता है कि वो नेतृत्व के लायक नहीं है, और वहीं प्रियंका गांधी को लाने की बात की जाती है, तो इन सब का इफेक्ट आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा? देखिए बात बिल्कुल स्पष्ट है जी, भाजपा सत्ता में आई, कुछ मुद्दे इनके पास थे, और सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कड़वे घूंट पीने के लिए तैयार हो जाइए। साफ सी बात है, महंगाई एक मुद्दा था बीजेपी के पास, महंगाई के मुद्दे से भटक गई बीजेपी। आज सब्सिडी कम करने की बात आ गई, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, रसोई गैस बढ़ेगी जो इनका एक मुद्दा था, तो अपने मुद्दे से मुकर गए ये। और इसके साथ साथ डीजल के भाव बढ़ गए, रेल के किराए बढ़ गए, आज टमाटर किसान से 2 रुपए किलो लिया जाता है और मार्केट में 90 रुपए किलो टमाटर है। आज कहां टिकेगी भाजपा? भाजपा का जो ढकौंसला था वो जनता ने समझ लिया। भाजपा हरियाणा में 10 सीट भी नहीं ले जा सकती, कभी नहीं भी ले जा सकती। यदि भाजपा के पास कोई मुद्दा है तो हमें बताएं कांग्रेस को। यदि गुजरात मॉडल की बात कहते हैं, खुले अपने घोषणा पत्र में भाजपा कहते हैं कि हरियाणा में गुजरात मॉडल हम लेके आएंगे, हम एक ही बात मान लेंगे कि ये जीत सकते हैं। गुजरात से हरियाणा का कंपेयर करके तो देखें जरा, भाजपा को अपने अवकाश यानी आप ये मानते हैं रणधीर जी, आप ये मानते हैं कि गुजरात से कहीं ज्यादा आगे है हरियाणा? गुजरात से कहीं ज्यादा आगे है हरियाणा, ये आप मानते हैं? सर्टेनली नंबर वन हरियाणा है ये जी, हाँ बिल्कुल मानता हूँ। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आप ले लीजिए, हरियाणा में पर कैपिटा इनकम कितनी है, गुजरात से आप पूछ लीजिए, यदि हमारे से ज्यादा इनकम। चलिए रणधीर जी हमारे साथ यहाँ पर इनेलो के नेता हैं जगदीश कादियान जी, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। जगदीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जाने की चुनौती क्या है आपके लिए, खास करके इस विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले पार्टी के बारे में पूछ लेती हूँ, कांग्रेस आपके लिए चुनौती है या फिर बीजेपी? हेलो धन्यवाद जी, सवाल मेरा यही है कि आपके लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती आपके, अगर हम अंदर अंतर कला जो चल रही है अभी उसको छोड़ करके पार्टी के बारे में बात करें, तो आपके लिए बीजेपी एक चुनौती के तौर पे उभरी हुई है या फिर कांग्रेस पार्टी? ऐसा पार्टी में कोई अंतर कला नहीं चल रही जी, मतलब देखते हैं पीछे तो थोड़ा वो रोकता है वो तो, लेकिन सर मान चुके कोई ऐसी चीज बात नहीं है, पार्टी में कोई अंतर कला नहीं है जी। जगदीश जी जिस तरह से अभी 62 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक घमासान जो टिकटों को लेकर के है वो जारी है, ये तो सभी जान रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहा भी गया था कि आप इसमें परिवर्तन करिए नहीं तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, खुली चुनौती दे दी गई थी। नहीं वो थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन जो है वो मना लिए जाते हैं और आराम से मान जाएंगे, जो भी नाराज है उनको मना लिया जाएगा, ऐसी कोई नहीं है लोग, मैं कोई ऐसी अंतर कला नहीं है जी। और अगर जगदीश जी आपसे जानना चाहूं कि इनेलो के लिए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती, अगर हम घोषणा पत्र की बात करें तो जारी तो कर दिया गया है, युवाओं को बहुत ज्यादा प्रलोभन देने की कोशिश की है, यानी कि लोक लुभावन एक मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया है, चुनौती की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है क्या चुनौती है जिसको यहाँ पर दूर करेंगे और विधानसभा चुनाव में आप जीत सकते हैं? ऐसा जो घोषणा पत्र हमारी पार्टी ने किया है, जब भी कोई भी वादा हमारी पार्टी ने किया केजरीवाल से लेकर अब तक, वो सरकार बनने के बाद वो हमेशा पूरी थी जी। जगदीश जी एक छोटे में एक सवाल का जवाब से दे दीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आपके क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है, क्या आपको लग रहा है कि आप इन दिनों को पीछे कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे, पूरी करेंगे, जो भी घोषणा पत्र में जो बात कह रखी है हमने उसको पूरा करेंगे, अगर मतलब राज बनने के बाद जी। चलिए शुक्रिया जगदीश जी कि आप हमारे साथ जुड़े और क्या कुछ चुनौती है वो आपने बताया, खास करके अगर उम्मीदवारों को लेकर के है तो उसे दूर कर लिया जाएगा जो भी यहाँ पर है। रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए, और वहीं रणधीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि क्या कुछ चुनौती है, किस तरह से उसे दूर किया जाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक कॉन्फिडेंस समझ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि हैट्रिक जो है वो कांग्रेस यहां पर लगाएगी। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, जिसमें हम बात कर रहे थे चुनौती को लेकर के, तीनों पार्टियों से हमने जाने की कोशिश की है कि उनकी क्या क्या चुनौती है, किस से उसे दूर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।